हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान रफीक। सिंधु गाइस, मैं आ जा एक और न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है फैशन पे। गाइस, मैं आज आपको ऐसी कुछ चीजें और ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे गाइस आप लो बजट में फैशनेबल दिख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स दूंगा। गाइस, मैं आज आपको ऐसी 5 टिप्स दूंगा जिसमें आप लो बजट में आप ज्यादा फैशनेबल दिख सकते हैं और आपकी वार्डरोब ज्यादा से ज्यादा भरी दिख सकती है। गाइस, तो गाइस मैं आपको ऐसी टिप दूंगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस, हमारी जो फर्स्ट टिप है वो बहुत सिंपल है। गाइस, ये आपको करना ही चाहिए। गाइस, आपको ब्रांड्स पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए सिवाय शूज़ के लिए। अगर आप शूज़ खरीदें तो आप ब्रांड पे जा सकते हैं। अगर आप शर्ट, टी शर्ट, पैंट कुछ भी खरीदें तो आप ब्रांड्स पे मत जाइए, क्योंकि ब्रांड्स पे अगर आप जाएंगे, अगर फर्ज करें आपने पोलो की या फिर एडिडास किसी भी चीज़ की आपने ओरिजिनल टी शर्ट ले ली है, तो गाइस लोग तो ये सोचेंगे कि इसने लोकल टी शर्ट पहनी है। क्योंकि आजकल जो लोकल है ना, लोग लोकल चीज़ें बिक रही हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पोलो का लोगो लगा देना करना और एडिडास का लोगो लगा देते हैं। तो गाइस इस तरह कर रहे हैं लोकल ब्रांड भी। गाइस, तो इस वजह से हर कोई आपको समझेगा कि आपने लोकल टी शर्ट पहनी है। आप अगर ओरिजिनल पहनी होगी तो लोग समझेंगे लोकल पहनी है, तो गाइस वो इतना नहीं लगेगा। तो गाइस इस तरह आप कीजिए, सिवाय शूज़ के आप ब्रांड्स पे पैसा खर्च मत कीजिए। तो गाइस ये सबसे पहली टिप गाइस मैं आपको देना चाहूँगा। और गाइस अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। तो गाइस अब जो नंबर 2 का टिप है गाइस, ये भी बहुत सिंपल है और गाइस ये भी आपको करना चाहिए। ये टिप है कि आपको सेल्स नहीं लगती, सेल्स में आपको शॉपिंग करनी चाहिए। जैसे कि साल में 2 या 3 सेल्स लगती हैं, आप अपना फेवरेट ब्रांड कोई पकड़ लीजिए जहाँ से आप करते हैं, जो कोई शॉप पकड़ लीजिए जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो आप उसकी सेल्स पे नज़र रखिए, उनको अपना नंबर दे दीजिए। इस तरह कुछ मेंबरशिप वगैरह का सिस्टम होता है, बिना मेंबरशिप के ही आजकल सब कुछ हो रहा है। तो आप उनको अपना नंबर दे दीजिए कि उनको बोलिए कि हमें इतना बता दें कि जब सेल लगेगी हम आप हमें नोटिफिकेशन दे देना। तो गाइस वो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। गाइस ये इसका मतलब ऐसे हो जाएगा कि जिस तरह हम यूट्यूबर्स नहीं करते, नीचे सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस इसका मतलब यही है। तो गाइस अगर आपने भी नोटिफिकेशन दिया तो भाई मेरे चैनल की तरफ नोटिफिकेशन दबा दो। सो गाइस आप भी ऐसे कीजिए और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा आपको कि आपको अच्छे कपड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो गाइस इसका मतलब ये है कि मतलब कि वो चाहते हैं कि जी हमारा साल का जितना भी स्टॉक है वो निकल जाए, सेल का मतलब ये होता है। तो उनके स्टॉक में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। सो गाइस आप वो चुन के ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अच्छी चीज़ें किस तरह लेनी है, तो गाइस मैंने एक फैशन की प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो गाइस ये गाइस मैं नंबर 2 पे गाइस आपको टिप देना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं मेरी 3rd टिप की तरफ। सो गाइस नंबर 3rd पे जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा गाइस, ये भी आपकी काफ़ी काम आएगी। गाइस ये टिप है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। गाइस ऑनलाइन शॉपिंग में आपका क्या होगा कि आपको ना अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस तरह हो रहा है गाइस कि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, मतलब कि बाहर के जितने स्टोर्स हैं, जितने के मतलब कि जो बाहर आप स्टोर्स देखते हैं, शॉप देखते हैं गाइस, उन पर चीज़ें कम बिक रही हैं और ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। सो गाइज इससे गाइज आपको क्या होगा कि आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे और आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। अब गाइज कुछ लोग डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से कि मेरे कपड़े ठीक नहीं आएंगे, मेरा साइज छोटा आएगा, ये वो। गाइज अब आपने भी उस जगह से शॉपिंग करनी है जहाँ से आपको, अगर आपको आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया जो आपने मंगाया है, तो उनकी ये पॉलिसी हो कि वो वापस करते हो, रिटर्न करते हो। अगर आपको आपका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो आप उनको वापस कर सकते हो। गाइस आप कुछ सर्च कीजिए कि इस तरह की वेबसाइट्स कौन सी हैं। गाइस वेबसाइट अब काफ़ी आ गई हैं इस चीज़ पे। गाइस अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो कि ये काम नहीं करती, उससे आप मत कीजिए शॉपिंग। क्योंकि गाइस बात कर ये मसला होता है कि साइज छोटे बड़े आ जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। तो गाइस मेरे साथ भी गाइस ऐसे हो चुका है। तो गाइस आप उनसे कीजिए जिनसे, जिनके पास ये पॉलिसी हो कि आप चीज़ रिटर्न करा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आई। तो गाइस इस तरह गाइस आप कर सकते हैं। गाइस ये भी काफ़ी अच्छी टिप है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। गाइस नंबर 4th की जो टिप है गाइस, ये भी बहुत अच्छी है और गाइस ये भी आपकी बहुत काम आएगी। आपको अगर कोई भी शर्ट, टी शर्ट, पैंट कुछ भी खरीदना है, तो गाइस आप कोशिश कीजिए कि आप पैक ऑफ पे खरीदिए। पैक ऑफ मतलब कि होता नहीं है बाय वन गेट वन 2 फ्री, बाय वन गेट वन इतना इतना फ्री। तो गाइस आप कोशिश कीजिए आप इस तरह लीजिए। गाइस इससे क्या होगा, आपने अब ये नहीं करना किसी से भी ले लें,
तो गाइस उसमें आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। आप कोई ऐसा अपना पकड़िए जहाँ से आपको पता है चीज़ें अच्छी मिलती हैं। सो गाइस वहाँ से अगर पैक ऑफ वगैरह कोई ऑप्शन चल रही है तो गाइस आप वहाँ से ज़रूर लीजिए, ज़रूर। ये तो गाइस मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर लीजिए, लेकिन हर जगह से नहीं। अब आपको एक जगह का पता ही नहीं यहाँ से अच्छे कपड़े मिलते हैं नहीं मिलते, फिर भी आप उससे जाके पैक ऑफ की चीज़ें ले लेते हैं, बाय वन गेट वन टू फ्री, बाय वन गेट वन टू शर्ट फ्री। तो गाइस इस तरह गाइस आप करते हैं, इस तरह से गाइस आपका प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए जिन जगहों का आपको पता है यहाँ से अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो गाइस अगर उन्होंने पैक ऑफ वगैरह बाय वन गेट वन फ्री इस तरह की ऑप्शन कोई लगाई हुई है तो गाइस आप ज़रूर लीजिए। सो गाइस ये गाइस मैं आपको टिप देना चाहूँगा, और गाइस इससे आपको कपड़े भी अच्छे मिलेंगे। सो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सो गाइस नंबर फिफ्थ की जो टिप है वो भी काफ़ी अच्छी टिप है, और ये भी आपके काफ़ी काम आएगी। ये टिप है कि आपको एक्सपोर्ट माल खरीदना चाहिए। अगर आपको नहीं पता एक्सपोर्ट माल क्या होता है तो मैं बताता हूँ गाइस आपको एक्सपोर्ट माल क्या होता है। गाइस ये माल बहुत ही अच्छा होता है, और इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कीजिए बाहर कोई ब्रांड है वो अपना बनाता है, फुल चीज़ें बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, पैंट टी शर्ट कोई भी ऐसी वैसी चीज़ बनाता है। सो गाइस उसमें से ना उनके माल में से कोई चीज़ ऐसी होती है, ऐसी चीज़ ख़राब निकल आती है जिसको कोई नोट भी नहीं करता। फर्स्ट कीजिए उनकी शर्ट में से कोई ऐसी चीज़ ख़राब निकली है जिसको कोई नोट ही नहीं करेगा। फर्स्ट कीजिए उसका हल्का सा साइड से धागा बाहर आ गया है, हल्का सा उसका बटन लूज है। तो गाइस इस तरह की चीज़ों को गाइस वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब कि वो कहते हैं इधर भेज देते हैं, लो प्राइस में हमारे मुल्कों में भेज देते हैं। गाइस वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको कोई नोट भी नहीं करता, उनका हल्का सा बटन से धागा बाहर होगा, हल्का सा बटन लूज होगा। तो गाइस इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको कोई नोट भी नहीं करता, और वो क्या करते हैं वो चीज़ें हमारे इन मुल्कों में भेज देते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश और जितने भी ऐसे मुल्क हैं। सो गाइस लेकिन वो चीज़ें हल्का सा धागा निकलना, हल्का सा बटन लूज होना, वो चीज़ें ब्रांड नोटिस करता है, लेकिन गाइस इधर कोई भी नोटिस नहीं करता। तो गाइस आप कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसी जगह ढूंढिए, कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी ऐसी जगह जहाँ से ये एक्सपोर्ट माल मिलता हो। सो गाइस मैंने भी गाइस एक वीडियो बनाई है जहाँ पे एक्सपोर्ट माल मिलता है, आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, और आप भी वहाँ पे जाके कपड़े ले सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट माल मिलता है। तो गाइस आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। अगर गाइस आपको नहीं पता कि एक्सपोर्ट माल कहाँ से मिलता है तो गाइस आप पता कीजिए, लोगों से पता कीजिए, दोस्तों से पता कीजिए, कहीं से भी। तो गाइस मैंने ये वीडियो बनाई है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो गाइस तो आपको एक्सपोर्ट माल खरीदना चाहिए, और गाइस आज के लिए बस इतने रखते हैं। और गाइस अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपके कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और फैशनेबल बन जाएंगे। सो गाइस बस आज के लिए इतने रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और पता सब्सक्राइब कर देना।